हेलो बच्चों, तो आप सभी का आपके प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिका एंड पोएटिका में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलस बाई समीर बंसल की फंक्शन वाली एक्सरसाइज नंबर 1 का प्रॉब्लम नंबर 31 कंसिडर कर रखा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और बच्चों, ये फिर से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर आधारित क्वेश्चन है। मीन्स नंबर ऑफ आपको यहाँ पे ऑन टू फंक्शन काउंट करने हैं, जो कि इस सेगमेंट का एक टफेस्ट प्रॉब्लम माना जाता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट प्रॉब्लम देखते हैं। सेट ए कंसिस्ट ऑफ 6 डिफरेंट एलिमेंट्स एंड सेट बी कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स। नंबर ऑफ मैपिंग्स विच कैन बी डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी विच आर सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का अर्थ क्या है बच्चे? ऑन टू। तो बच्चे गौर करना, मान लिया आपने पास किसी एक सेट में मेरे बच्चे यहाँ पे m एलिमेंट्स हैं, और बच्चे आपके पास एक दूसरा सेट है इसमें n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपको सेट ए से सेट बी की तरफ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो बच्चे गौर करना, अगर मैं आपसे ये कहूं, पहला केस अगर मैं बनाऊं, फर्स्ट केस, अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि n की वैल्यू m से बड़ी है, अगर n की वैल्यू m से बड़ी है तो फिर क्या होगा? एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लिया इसमें 1, 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3, 4, 5 हैं। ऑन टू का मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। आप कैसे भी मैप कर लो, आप सारे एलिमेंट को कभी मैप ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे सस्ता वाला सवाल यहां पे बनता है कि जब सेट बी का, यानी जब कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन वाले एलिमेंट्स की अपेक्षा ज्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में आपका रेंज कभी भी कंप्लीट को डोमेन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बच्चे शून्य आएंगे। ये सबसे सस्ता वाला केस है। अब अपने बेहतरीन वाले केस पे आते हैं, सेकंड केस बच्चे, अगर m की वैल्यू n से बड़ी या n के बराबर है, तो जिन बच्चों को ये फॉर्मूले का डेरिवेशन सीखना है तो जरूर कमेंट करेंगे। इसको अपन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के तहत बहुत अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं, राइट? और जो बच्चे मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी करते हैं उनको ये प्रूफ जरूर जानना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे वो रिजल्ट लिख लेते हैं जिसके तहत हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो ये रिजल्ट क्या है? एन रेस टू द पावर एम माइनस एन सी वन। आपको इसके पैटर्न से लग भी जाएगा कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज किया हुआ है। यहां पे बच्चे n माइनस वन पे पावर m प्लस n माइनस टू पे पावर m माइनस n माइनस थ्री रेस टू दी पावर m। अब आपको आइडिया लग चुका है कि ऐसे ऑल्टरनेट साइन चलता जाएगा, राइट? इसी प्रकार ऑल्टरनेट साइन चलता जाएगा। तो बच्चे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, चलिए भाई, तो अब फटाफट अपने सवाल की तरफ आते हैं। अपने सवाल में बच्चे सेट ए में, अपने वाले क्वेश्चन में सेट ए में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? अपने वाले क्वेश्चन में बच्चे सेट ए में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? 6 एलिमेंट्स। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो मैं एन और एम के टर्म में लिख दूं, एम की वैल्यू 6 दे रखी है और n की वैल्यू मेरे लाल कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बच्चे तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो आप यहां पुट करें वैल्यू 4 रेस टू द पावर 6 माइनस 4 सी वन, एन माइनस 1 कहे तो 4 माइनस 1 पे पावर m का अर्थ कितना हुआ? 6 प्लस एन सी टू यानी 4 सी टू, एन माइनस 2 का अर्थ है 4 माइनस 2 रेस टू द पावर 6 माइनस 4 सी थ्री, 4 माइनस 3 रेस टू दी पावर 6, सो ऑन। आप ऐसे चलेंगे। अच्छा, आगे तो जा ही नहीं सकते, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, आगे तो आप बढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि 4C4 आ गया है ना। देखिए, आप फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगला टर्म आप लिखते हैं तो 4C4 और यहां पे 4 माइनस 4 पे पावर 6 आया। जब आप आगे बढ़ेंगे तो 4C5 आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? यानी आपको यहीं तक चलना था भाई। चलिए बच्चे, इसे फटाफट आप सिंप्लीफाई कर डालिए, तो 4 पे पावर 6 माइनस 4 इंटू 3 रेस टू दी पावर 6
प्लस फोर सी टू का अर्थ हुआ बच्चे 6 इंटू 2 पे पावर 6 माइनस 4। तो लाल इस पूरी वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यह आएगा 1560। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का यह फॉर्मूला इसका डेरिवेशन सीखना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि मुझे इसका डेरिवेशन आप जरूर बतलाइए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।